प्रश्न है, 7 का पावर 105 का इकाई का अंक क्या होगा? आइए देखते हैं ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। 7 का पावर 105, सबसे पहले 105 को 4 के फैक्टराइजेशन में लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 26 प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहां पर ध्यान देंगे कि जो भी 4 के फैक्टराइजेशन में है उसको काट देंगे और ये जो प्लस में है रिमाइंडर, रिमाइंडर को उतार देंगे, आंसर लिख देंगे, ये आंसर हो गया। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाजित होगा? सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि विभाजित होने का क्या रूल है, विभाज्यता का क्या रूल है, कि कोई भी अगर संख्या है जैसे 20 है तो 5 × 4 5 से भी विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, ये तो आप जानते ही होंगे, यही फॉर्मूला यहां पर भी यूज होगा। देखेंगे ध्यान से, यहां पर 4 का पावर 61 62 63 और 64, इसमें कोई चीज कॉमन है? 4 कॉमन है और साथ में 61 कॉमन है, ले लेंगे 4 का पावर 61, क्या बचेगा अंदर में पावर 0 प्लस इसमें पावर कितना बचेगा, 4 का पावर 62 है 1 बचेगा, प्लस इसमें 63 है कितना बचेगा 2 प्लस इसमें पावर 3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4 का पावर 61 एक 4 16 ये 64, 4 चौके 16 चौके 64, सबको ऐड कर देंगे 4 6 10 10 4 14 एक 15, यहां पे देखेंगे 6 1 7 और 1 8 85, 4 का पावर 61 इंटू 85 इज इक्वल टू ऑल्सो रिटर्न इज 4 का पावर 61 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60 प्लस 1 इंटू 85। अब यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि 4 का पावर 60 है, ये पावर 1 एक यहां पर आ जाएगा इंटू 85, 4 का पावर 60 होने, ये कर देंगे मल्टीप्लाई 4 5 जा 20 32 प्लस 234, ये हो गया नंबर आ गया। अब यहां पर देखेंगे कुछ ऐसा फैक्टर है जो कि डिवाइड हो रहा है 12 से, यहां पे 0 लगा हुआ है, यहां पे 10 है, तो साफ यहां पर पता चल रहा है कि ये इससे डिविजिबल है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी उसका फैक्टर से रिलेट करता है, कोई भी नंबर हो, जैसे मैंने ले लिया 7, ये एक प्राइम नंबर है, तो केवल इसका फैक्टराइजेशन 7 × 1 होता है, तो केवल और केवल ये 7 से होगा और 1 से होगा, ये आप ध्यान देंगे 7 से होगा और केवल 1 से होगा। उसी प्रकार से जैसे 8 ले लिया, ये 2 × 2 × 2, इसका मतलब है कि ये 2 से भी होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से भी होता है और ये अपने आप 8 से भी होता है, तो इस तरीके से चलता है रूल। तो इसमें से पता चल गया कि इसका आंसर सी 10 है। इसको मैंने समझाने के लिए इतना समय लिया, परीक्षा में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। 7 का पावर 95 प्लस 3 का पावर 58 का इकाई का अंक कितना है? इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 7 का पावर 95 और 3 का पावर 58 ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे कि इसका इकाई का अंक कितना है और इसका इकाई का अंक कितना है, दोनों को प्लस कर देंगे, इसका मान निकल के आ जाएगा। सबसे पहले सॉल्व करेंगे 7 का पावर 95, कैसे करेंगे, आप इस 95 को ऐसे ब्रेक करिए 4 के फॉर्म में कि ये 4 का डिविडेंड बन जाए, तो ये क्या करेंगे 95 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 2 = 8 और ये 5, इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम कैसे लिखेंगे ये बहुत ध्यान देना है, 7 का पावर 95 है, इसको हम कैसे लिखेंगे 23 × 4 और ये जो यहां पर 3 है इसको प्लस 3 करेंगे। अब ये जो पोर्शन है 23 × 4 है ये क्रॉस कर देंगे, ये जो प्लस 3 है ये ले लेंगे साथ के साथ,
सात का पावर तीन। अब इसको सॉल्व करेंगे, सात गुने सात गुने सात, उनचास सत्ते नौ सत्ते तिरसठ। हमें तो इकाई से मतलब है और बाकी सब गुना करने का कोई मतलब ही नहीं, इकाई का अंक मिल गया तीन। लिख देंगे यहां पर इकाई अंक, ये एक हो गया। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, थ्री का पावर 58। ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, आप एग्जाम में बहुत ही स्पीड से आप इसको कर सकते हैं। जैसे 58, 58 को सबसे पहले देखना कि चार से डिवाइड करना है, तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, चार एकम चार, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बचा 18, चार चौके 16, दो बचा ये प्लस दो गुने यहाँ पे चार लिख देंगे, 14 चौके 56 प्लस दो, ये बहुत ही स्पीड से हो गया। अब इसका तीन का पावर यहाँ पे दो लिख देंगे, यहाँ पे 9 हो गया, तो ये इकाई का अंक हो गया। अब ये दोनों को देखेंगे कि ये 9 है और ये इधर से आ रहा है, ये 3 है, दोनों को प्लस कर देंगे 2 है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 4317 का पावर 173 का इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन 1379 है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न का 4317, प्रश्न का पावर है 173। अब 173 को ऐसे ब्रेक करेंगे जो 4 का गुणज हो, तो फिर वही करेंगे 173 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 चौके 16, 4 तिया 12, इसको लिख सकते हैं यहां पे 43 × 4 प्लस 1। हमेशा याद रखेंगे ये लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, जो ये है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और रिमाइंडर ऐड हो जाएगा, 4 × 43 प्लस रिमाइंडर 1, याद रखेंगे। अब यहां पे आ जाएंगे कि जो 4 का गुणज है वो पूरा काट देंगे, ये पूरा कट गया, बचा क्या, ये इकाई का अंक देखेंगे, चूंकि निकालना हमें इकाई है तो पूरे संख्या में इकाई का अंक देखेंगे, क्या इकाई का अंक 7 और ये रिमाइंडर 1, आंसर आप आ गया है। प्रश्न है 7 का पावर 105 का इकाई का अंक क्या होगा। आइए देखते हैं ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। 7 का पावर 105, सबसे पहले 105 को 4 के फैक्टराइजेशन में लिखेंगे, को लिख सकते हैं 4 × 26 प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहां पर ध्यान देंगे कि जो भी 4 के फैक्टराइजेशन में है उसको काट देंगे और ये जो प्लस में है रिमाइंडर, रिमाइंडर को उतार देंगे, आंसर लिख देंगे, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 3547 का पावर 153 गुने 561 का पावर है 72। अब ऐसे प्रश्नों को अब मैं बताने जा रहा हूं कि आप देखते के साथ में कैसे करेंगे, उसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा मैं आपको। क्या करेंगे आप, 153 यहां पर लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे 72 को, जीरो आ गया। यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे इकाई अंक कितना है 7, केवल हम 7 का ही प्रयोग करेंगे, लिखेंगे क्या 7 का पावर 38 × 4 प्लस 1, 38 × 4 प्लस 1 इंटू इसमें क्या लिखेंगे 1 का पावर 18 × 4
प्लस जीरो, इसका क्या हो जाएगा, सात का पावर वन प्लस इंटू वन का पावर जीरो, ये सात इंटू वन, सेवन इंटू वन सेवन, इसका आंसर भी सेवन हो जाएगा। अब इसका फुल कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, अब ध्यान से समझ लीजिए कि इसका पूरा कहानी और पूरा कैसे बनता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कि कौन कौन सा अंक इकाई अंक में बेस में होगा और पावर क्या होगा, तो किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है ये मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, फिर कोई सा भी कोई भी नंबर हो, जैसे मैं लिखता हूं एग्जांपल के लिए 57932 का पावर 172 हो, इकाई का अंक तुरंत निकाल पाएंगे 395321 का पावर 169692, इकाई अंक निकाल लेंगे। आपका मोबाइल नंबर के बराबर अगर 10 डिजिट हो पूरा, उसका पावर फिर मोबाइल नंबर के बराबर ही पूरा 10 डिजिट हो, उसका भी आप इकाई अंक निकाल पाएंगे। ध्यान से देखेंगे इसको कैसे बनाने का क्या तरीका है, कैसे किया जाता है। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का आप मेथड देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले उस प्रश्न का बेस, इसको बेस कहा जाता है, सबसे पहले यहां मैं लिख देता हूं बेस, और जो ऊपर में है ये पावर कहलाता है, ये तो सभी आप जानते होंगे, ये उतार देंगे, लिख देंगे बेस पावर। अब क्या करेंगे, पावर चाहे कुछ भी रहे, सम संख्या रहे विषम संख्या रहे, दो ही संख्या हो सकती है, या तो सम होगा या विषम होगा। अब क्या करेंगे कि बेस को ध्यान से देखेंगे कि बेस में रूल, दो तरीके का रूल है, रूल नंबर एक, अगर किसी भी संख्या के लास्ट का संख्या आप देखेंगे, लास्ट का डिजिट, किसी भी संख्या के लास्ट का डिजिट आप देखेंगे कि अगर जीरो हो, वन हो, फाइव हो या फिर सिक्स हो, इसको फॉर्मूले के रूप में याद करिए, जीरो वन फाइव सिक्स, जीरो 156, ये अगर लास्ट में अगर हो तो इसका कोई सा भी सम संख्या अथवा विषम संख्या, कोई सा भी पावर हो, इसके लास्ट में क्रमशः वही संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें लास्ट में अगर दो है, इसका पावर 172 भी है, इसका इकाई का अंक दो होगा, देखते के साथ में उत्तर बिल्कुल सेकंड में। उसी प्रकार से इसके लास्ट में वन है, कुछ भी पावर है, इतना बड़ा भी पावर का मान हो, ये इसका इकाई का अंक एक होगा। लेकिन क्या हो अगर, जैसे उसी प्रकार से अगर फाइव हो लास्ट में, तो उसका इकाई का अंक फाइव होगा, अगर उसके लास्ट में अगर सिक्स हो डिजिट, तो उसका भी इकाई का मान सिक्स होगा। जैसे मैं बता देता हूं 59326 ये संख्या है, इसका पावर मैंने दे दिया 99999 है, तो इसका इकाई का अंक आप देखते के साथ बता देंगे कि छह होगा। लेकिन प्रश्न में 0156 नहीं के बराबर पूछा जाता है, क्योंकि जो पढ़ा हुआ लड़का है, जो पढ़ने में होशियार है, वो देखते ही बता देगा कि इसका क्या है। ऐसा कोई भी बात नहीं है, पूछा भी जा सकता है 0156। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर 0156 के अलावे और भी तो डिजिट है, 0 से 9 तक के डिजिट में 0156 कट गए, अब आपके बचे 2 3 4 5 कट गया, 6 कट गया, 7 8 9 ये सभी डिजिट रहेंगे तो क्या करेंगे। अगर किसी भी बेस में अगर यही ये दोनों ये 6 संख्या है, 2 3 4 7 8 9 अगर हो और पावर कुछ भी हो, सम अथवा विषम संख्या हो, कोई बात नहीं, सम संख्या हो अथवा विषम संख्या हो, कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या करेंगे, इस सबसे लास्ट का डिजिट को पकड़ लेंगे,
जैसे लास्ट का डिजिट में अगर आता हो दो, ठीक है, दो पकड़ लेंगे और क्या करेंगे, सम अथवा विषम संख्या जो भी पावर है पूरे पावर को चार के गुणज में लिखेंगे, फोर इंटू जो भी उसको डिवाइड करने पर आएगा वो प्लस में रिमाइंडर के फॉर्म में लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि ये फोर इंटू रिमाइंडर के फॉर्म में जो आएगा इसको पूरे को क्रॉस कर देंगे, रिमाइंडर का मान को केवल ले लेंगे, दो का पावर रिमाइंडर इज इक्वल टू वही आंसर होगा। तो इसी प्रकार से दो तीन चार सात आठ नौ में जो भी रिमाइंडर बचेगा चार से डिवाइड करने के बाद उस रिमाइंडर का मान यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, वही उसका सॉल्यूशन होगा। यही फुल कॉन्सेप्ट है इकाई का अंक निकालने का, फुल कॉन्सेप्ट यही है कि कितनी भी बड़ा संख्या हो उसका लास्ट डिजिट को ध्यान से देखते हैं, अगर वह 0156 अगर है तो उसका इकाई का अंक भी क्रमशः वही होगा, 0156 ही होगा। अगर मान लीजिए लास्ट में अगर 6 है तो 6 होगा, 5 है तो 5 होगा, 1 है तो 1 होगा, 0 है तो 0 ही इकाई का अंक होगा। लेकिन अगर उसके अलावे कोई अगर मान अगर दिया हुआ है तो आपको 4 से डिवाइड करना होगा, चार का गुणज के फॉर्म में लिखने के बाद काट देना होगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। मैं आप लोगों के साथ इतना मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, आप लोगों का केवल मुझे सपोर्ट चाहिए और इसके अलावा मैं किसी भी चीज का एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूं, ना तो मैं कहता हूं कि आप लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, मैं इन सब चीजों का डिमांड मैं बिल्कुल आप लोगों से नहीं करता हूं, लेकिन मैं केवल यही चाहता हूं कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके मेरा यह वीडियो उन गरीब लोगों तक शेयर करें, चूंकि मैं बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूं। आप उन गरीब लोगों को, गरीब विद्यार्थियों को, अपने दोस्तों को केवल शेयर करें ताकि वह भी एग्जाम निकाल पाए और इन सब नियमों को समझ पाए और किसी महत्वपूर्ण पद पर आकर भारत देश की अपनी सेवा करें, बस मेरा लक्ष्य यही है। तो आप लोग से अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, आपका मन है तो करिए, नहीं मन है मत करिए, डिसलाइक करने का मन है वो भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गरीबों को शेयर जरूर करें, यही मेरे लिए बहुत है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यही है, 0156 याद रखेंगे कि इसमें सेम यही रह जाता है, उसके अलावा 2 3 4 और 7 8 9 ये याद रख लेंगे। इसको अगर याद रखना है तो 234 789 ऐसे याद कर सकते हैं, दो फॉर्म में 237 और 789 अगर ये अगर लास्ट डिजिट में हो, केवल लास्ट डिजिट को केयर करना है कि बेस में कितनों भी बड़ा संख्या हो पूरा संख्या को नहीं लेना है, केवल लास्ट का डिजिट को लेना है और जब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल में बता चुका हूं, आप इसका प्रयोग करेंगे आप निश्चय ही देखेंगे सभी प्रकार के प्रश्न इकाई अंक से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रश्न आप कर पाएंगे, चाहे कैसे। अब एक और प्रश्न मैंने लिया है, इसको ध्यान से देखेंगे, एक टाइप का कॉन्सेप्ट रह जाता है, ये भी क्लियर हो जाएगा, इसके बाद में आपका इकाई अंक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा। देखेंगे 2 का पावर 128 है, 2 का पावर 128 है तो इसको क्या करेंगे, हम प्रश्न को बिल्कुल देखते ही सॉल्व करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा उतारने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि जब आप बैठते हैं एग्जाम में तो आपके पास बिल्कुल समय बहुत ही कम होता है, 1 सेकंड का आपके पास वैल्यू होता है। क्या करेंगे, इसको 4 से काटना शुरू करते हैं, 4 3 12 4 2 8 तो ये पूरा कट गया 32 × 4 में, इसको भी काटेंगे वैसे ही 4 6 24 एक बचा 4 4 16 ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया। अब ये तो रहने देंगे चूंकि 5 है, 5 ही इसका इकाई अंक होगा, 9 है इसको भी काट लेते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं 4 × 12 + 3 12 × 48 + 3 51 थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा, मैं दिखा देता इस तरीके से, ठीक है, 4 × 12 + 3। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी, इसका फॉर्मेट बदल गया, चूंकि 4 के फॉर्म में मैंने चेंज कर लिया हुआ, इसको चेंज करना इसलिए जरूरी नहीं चूंकि मैंने जैसे बताया हुआ नियम में 0156 अगर ये अगर लास्ट डिजिट में अगर हो बेस में, बेस और पावर को आप एकदम याद रखेंगे, यहां मैं बात कर रहा हूं केवल बेस की, जो नीचे के साइड में रहते हैं नीचे रहते हैं इसको बेस कहा जाता है। तो 0156 में से ये 5 है इसलिए मैंने इसको नहीं लिया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल में मैं समझा दे रहा हूं। अगर ये इसमें क्लियर हो जाता है तो आप बिल्कुल देखते ही प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे, देखिए कैसे ये सॉल्व होगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें ध्यान से समझिए कि 2 को 32 × 4 के फॉर्म में लिख दिया हमने, 3 को 64 × 4 में लिखा गया, ये 5 666 के फॉर्म में और ये ऐसे लिखा गया। अब क्या करेंगे कि जब ये पूरा कट गया और रिमाइंडर 0, मैं बताना यही चाह रहा हूं कि जब रिमाइंडर 0 हो, r = 0 यहां भी r = 0
तो क्या करेंगे? क्योंकि अगर मान के चलिए, अगर 2 का पावर जब 4 से डिवाइड करते थे, तो अगर पावर आपका 3 बच गया, तो आप क्या करते थे? उसका मान 8 लिखते थे और बोलते थे इकाई का अंक उस संख्या का इकाई का अंक 8 हुआ। अगर 2 का पावर 2 बचता, तो आप कहते कि इकाई का अंक उसका 4 हुआ। अगर 1 बचता, तो आप कहते कि 2 हुआ इकाई का अंक। ये सब इकाई के अंक है। लेकिन क्या हो अगर पूरा का पूरा भाग चला जाए? इसीलिए मैं इसको पूरा डिटेल में समझाना चाह रहा हूं। प्रश्न तो मैंने ऐसे ही लिया समझाने के लिए कि ये अगर आप समझ जाएंगे, तो इसके बाद आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आप ध्यान देंगे कि जब रिमाइंडर 0 हो, किसमें रिमाइंडर 0 देखना है आपको? 0, 1, 5, 6, जिसके लास्ट में नहीं हो, मतलब 2, 3, 4, 7, 8, 9, ये हो आपका 20। 20 में ये हो, पावर कुछ भी हो, सम अथवा विषम, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सम अथवा विषम कुछ भी हो, जैसे यहां पर 128 था, ये सम संख्या, तो सम संख्या में क्या होता है? इसका नियम अगर आप अगर समझना चाहेंगे, अगर विषम संख्या में समझेंगे, तो विषम संख्या में हम पावर लास्ट डिजिट का बैठा देते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। और अगर सम संख्या हो, तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो, चूंकि आपको 4 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड होता ही है सम संख्या, तो 4 से भी डिवाइड होगा ही। लेकिन मैं यहाँ पे टोटल कॉन्सेप्ट यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसे ना समझ के ऐसे भी समझिए कि जब भी रिमाइंडर 0 बचे, आप क्या करेंगे? लास्ट डिजिट का पावर 4 रख देंगे। यही कॉन्सेप्ट है। 2 का पावर हम क्या करेंगे? 4 रख देंगे। गुने यहाँ पर 3 का पावर भी 4 रख देंगे, चूंकि 0 पावर है। इंटू 5 का पावर 666 है, ये 5 ले लेंगे, चूंकि जैसा रूल में है। ये 9 का पावर क्या ले लेंगे? 3 बचा हुआ रिमाइंडर हम 3 ही ले लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 9 81, 81 9 9 1 9 72, 729 हो गया ये। अब क्या करेंगे? चूंकि इकाई का अंक लेना है, तो ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1 × 5 × इसका इकाई का अंक लेंगे 9, 6 × 1 = 6, 5 × 9 = 45। अब इसमें से इकाई का अंक लेंगे, 6 × 5 = 13, 0 आया। ये देखिए कैसे निकाला हुआ है मैंने, बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये 16 है, 16 लिख दिया, 81 है, 5 है, 729 है। अब इसमें ऐसा नहीं कि आप इकाई का अंक निकालने के लिए आप पूरे को मल्टीप्लाई करने लगे, तब आपका पता चलेगा पूरा समय निकल गया और मार्क्स आपको 0 अबार्ट हो गया, ठीक है? ऐसे नहीं करेंगे। क्या करेंगे? जब भी इकाई का अंक निकालने से संबंधित प्रश्न हो, केवल हम इकाई के अंक को ही गुणा करते हैं। 6 × 1 ले लिया हमने, फिर 5 ले लिया हमने, 9 ले लिया, 9 × 5 = 45, 6 × 1 = 6। अभी इसमें देखेंगे कि इधर के साइड में 0 0 है, मतलब इकाई का अंक 6 है, इसमें 5 है, 6 × 5 = हमने ले लिया, 6 × 5 = 30, इकाई का अंक 0 आएगा। अगर इसका अगर इसके अगर मान की बात अगर की जाए इकाई के अंक का, तो पूरे को अगर रियल में भी मल्टीप्लाई किया जाए, पूरा 2 का पावर 128 ओपन करके, 3 का पावर 256 पूरा ओपन कर दिया जाए मल्टीप्लाई करके, तो भी उसके इकाई के अंक में उस डिजिट में बहुत बड़ा डिजिट होगा, उसका इकाई का अंक 0 होगा। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा का पूरा विश्वास है, कंप्लीट विश्वास है कि आप कहीं ना कहीं इस प्रश्न को पूरे तरीके से समझ चुके होंगे, और इस प्रकार के प्रश्न जब एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। जैसे कि कुछ भी रहे, 20 में कोई भी संख्या हो, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, 20 में कोई भी संख्या हो, उसके लास्ट डिजिट में आपको ध्यान देना है कि क्या 0 है या 1 है या 5 है या 6 है। अगर 0, 1, 5, 6 है, तो उसका संख्या, उसका पावर का संख्या, सम अथवा विषम कुछ भी हो, आपको वही संख्या लिख देना है। अगर उसके लास्ट में अगर 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6 लिख देना है। अब इस प्रकार के प्रश्न को देखेंगे जिसमें लास्ट में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 है, 8 है या 9 है, तो क्या करेंगे कि सम अथवा विषम संख्या हो, इसको आप फाइंड नहीं करेंगे, करेंगे क्या? सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। इस रूल को ही आप याद रखेंगे कि 2, 3, 4 और 7, 8, 9 ये संख्या बेस में हो और लास्ट में 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो, तो हमेशा याद रखेंगे कि उस संख्या को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर रिमाइंडर अगर 1 आता है, तो उसी लास्ट डिजिट जो रहेगा, अगर 2 है तो 2 का पावर 1, अगर 4 है तो 4 का पावर 1, 7 है तो 7 का पावर 1, 8 है तो 8 का पावर 1, 9 है तो 9 का पावर 1। अगर रिमाइंडर अगर 2 है, तो उसी प्रकार से 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 4 का पावर 2, 7 का पावर 2, 8 का पावर 2, 9 का पावर 2। मैं पूरा का पूरा कंप्लीट में फिर से समझा रहा हूं। फिर उसी प्रकार की स्थिति 3 में भी आएगी, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, 4 का पावर 3, 7 का पावर 3, 8 का पावर 3 और 9 का पावर 3।
इसके अलावा तो कोई भी केस नहीं होता है। देखिए, जीरो से लेकर नौ तक के डिजिट में चार और ये छह, नौ ही तो डिजिट होते हैं, ठीक है जी, दो तीन चार सात आठ नौ और ये 156, और तो कोई डिजिट नहीं होता जीरो से लेकर नौ तक। इतना से ही पूरा का पूरा कंप्लीट डिजिट बनता है। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो चुका है कि अगर रिमाइंडर 1, 2, 3 में से कुछ बचता है, हम यही पावर रख देते हैं रेस्पेक्टिवली उसी संख्या में। और अगर कंप्लीट डिवाइड हो गया और रिमाइंडर जीरो बच गया, तो आप क्या करते हैं, पावर चार रख लेते हैं और उसको सॉल्व करा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने केस में देखा था, 2 का पावर 128 वाले केस में 32 × 4 लिखा, रिमाइंडर जीरो था, तो हमने क्या किया, 2 का पावर 4 16। अगर इसका पर्टिकुलर अगर पूछा जाता कि 2 का पावर 128 का इकाई का अंक कितना है, तो 6 है। यहां पर देखेंगे इसका इकाई का अंक 6 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार से अगर इस प्रश्न में अगर पूछा जाता कि 3 का पावर 256 है, इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका 1 होगा। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया हमने, 81 आया, इसका इकाई का अंक 1 है। क्यों ऐसे हुआ, रिमाइंडर जीरो था, हमने पावर 4 लिया। ये मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है कि आपको पूरे तरीके से एग्जाम में आप बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे और कंप्लीट समझ गए होंगे, और एग्जाम में बिल्कुल कम से कम समय में प्रश्नों को देखते ही आप सॉल्व कर लेंगे। और मैं बस फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी समय न लें, और कॉन्सेप्ट को अगर दोबारा अगर रिपीट करने की जरूरत होती है तो वीडियो को रिपीट करके आप देखें। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आप लाइक और कम से कम सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है कि आप कम से कम गरीब दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके ही जैसे वह विद्यार्थी भी बढ़िया से इसी सरकार के पद में बैठे और देश की सेवा करें। बस मेरा यही लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 6 प्रश्न मैं लेके आया हूँ, इकाई का अंक ज्ञात करना है आप लोगों को। जैसा मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि 2 का पावर 189 अगर होगा तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 3 का पावर 56 इंटू 4 का पावर 36 इंटू 5 का पावर 49 का इकाई का अंक क्या होगा। फिर से आप दोहरा दे रहा हूं मैं कि ये जब भी आप सॉल्व करेंगे, ये जो भी इकाई का अंक आएगा आप इसको फिर गुना करके ही आप लिखेंगे उसी तरीके से, ये। अब तो आपको कुछ कुछ को तो आप देखते ही बता पा रहे होंगे कि जैसे इकाई का अंक क्या होगा। जैसे ये देखते ही आप बता रहे हैं कि इसका इकाई का अंक 5 है, इसका इकाई का अंक 6 है। अब क्या करेंगे, केवल इसको 4 से भाग करेंगे, 222 को 4 गुने जितना भी है वो, प्लस में जितना इसका रिमाइंडर बचेगा, जाहिर सी बात है कि किसी अंक को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इससे छोटा ही बचता है, या फिर रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। कंप्लीट डिवाइड नहीं होने के केस में क्या हो सकता है, उससे छोटा ही तो संख्या बचता है, या तो 2 बचेगा, 3 से तो बड़ा हो नहीं सकता, अगर 3 से बड़ा होगा तो 3 से डिवाइड हो ही जाएगा, या तो बचेगा उसमें रिमाइंडर 2 या फिर रिमाइंडर 1 या फिर रिमाइंडर 0। रिमाइंडर जब 0 होगा तब 3 का पावर 4 लेना है, रिमाइंडर जब 1 होगा तो 3 का पावर 1 = 3 आ गया। अब सॉल्व करा लेंगे 5 × 6 × 3, क्योंकि 5 ये क्लियर है, ये 6 क्लियर है, यहाँ पे 3 केवल ले लेंगे। उसी प्रकार से अगर 2 बचता है तो 9 हो गया, इसको गुना कर लेंगे, लास्ट में इकाई का अंक निकल गया। उसी प्रकार से 2 ये सब डिवाइड कर लेंगे और इसको भी निकाल के कमेंट बॉक्स में करेंगे कि 5 आप कैसे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर, केवल 5 लिखेंगे। इस वीडियो के लास्ट में आप कमेंट में जरूर याद से, आप अगर पूरा वीडियो अगर आप अगर देख रहे हैं तो जरूर से जरूर, केवल आपको करना है 1 लिखा आपने और आपको लिख देना है आंसर, इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट आपको लिख देना है कि पहला यूनिट डिजिट इतना है, दूसरा यूनिट डिजिट इतना है, तीसरा इतना है, चौथा इतना है, पांचवा इतना है, छठा इतना है। मैं समझ जाऊंगा कि आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया है। और आप पूरे अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको किसी भी प्रकार के ऐसे प्रश्न जिसमें दिखाई देने में ऐसे प्रश्न रहते हैं जिसमें बेस और पावर हो, कितनों भी बड़ा पावर का मान हो, पहले देख के आपको डर लगता होगा कि यार ये ऐसा प्रश्न आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो कैसे मैं करूं। बिल्कुल अब देखते के साथ ही ऐसे प्रश्नों को आप कर पाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कम से कम इस वीडियो को शेयर करें दूसरों तक, ताकि इस वीडियो का लाभ उन गरीब लोगों तक भी, आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।